ये मिसरा लिख दिया किस शोक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। तो उनके अपने तई जब उन्होंने सियासत नहीं रियासत को बचा लिया, तो अब एक दूसरा टेस्ट आगे शुरू होता है कि अब कैफियत बिल्कुल वही है कि अब इलेक्शन से इन वन वे आर दी अदर फरार इख्तियार किया जा रहा है। तो अब भी हम देख रहे हैं कि ये एक जमहूरी स्ट्रक्चर होने के बावजूद वो कानूनी सहारे तलाश कर रहे हैं कि जिससे ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर लें। नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान एक दलदल में फंस रहा है। वो दलदल है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, अब जो फॉर्मल कारोबार करना है वो मुश्किल हो गया, उनको मज़ीद निचोड़े जा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को अब मज़ीद निचोड़े जा रहे हैं। तो ये जो तमाशे हैं वो ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गोशवारा के नए वी लॉग के साथ खालिद महमूद रसूल हाज़िर ख़िदमत है। आपकी आफ़ियत के लिए बहुत बहुत दुआएं। आज का वी लॉग एक शेर से आगाज़ करते हैं। अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, आपने भी सुन रखा होगा, कि ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने मेहराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। ये शेर हमें अब बार बार यूँ याद आ रहा है कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद से मुस्लिम लीग नून और जो बाकी जमातें हैं जो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा हैं, उन सब का एक मुश्तरका तौर पे एक बयानिया रहा कि ये हुकूमत पीटीआई की जो है वो सिलेक्टेड है, और वही सिलेक्टेड का एक बयानिया जो है ना वो चलता चला आया। उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव आई, तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से जो रिएक्शन था, जो पीटीआई ने बयानिया जवाबी बयानिया तख्लीक किया आवाम में, पब्लिक में, सोशल मीडिया में, वो अपनी जगह, लेकिन ये है कि पीडीएम की तमाम जमातों ने कहा कि ये बुनियादी तौर बिल्कुल एक जमहूरी अमल है, आईन इसकी इजाज़त देता है, फेयर इनफ, पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो तब्दीली रूनमा हो सकती है और वो हुई है, तो लिहाजा ये एक मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी अमल है। तो क्या हुआ कि 2018 से ऑनवर्ड एक बयानिया था कि ये सिलेक्टेड है, उसके बाद जब इन हाउस एक तब्दीली आई तो ये मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी थी। अब इसी कंटिन्यूशन में एक्सपेक्ट तो यह किया जाता है कि ये वो हमारी तमाम जमहूरी बड़ी जमातें हैं और 13 जमातों का मजमूआ पीडीएम, जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन भी पीटीआई के अलावा बाकी तमाम जमातों की मोरल एसिस में शामिल है, उस सिलेक्टेड के साढ़े तीन पौने चार साल का है जो इन्होंने एक पीरियड बर्दाश्त किया था कि जिसमें बकौल इनके की जमहूरियत नहीं थी और ये सिलेक्टेड था, और फिर जब नो कॉन्फिडेंस से जमहूरियत बकौल इनके वापस आ गई और फिर हमें ये भी सुनने को मिला कि जनाब सियासत नहीं रियासत बचानी है, तो उनके अपने तई जब उन्होंने सियासत नहीं रियासत को बचा लिया, तो अब एक दूसरा टेस्ट आगे शुरू होता है कि जनाब इस 5 साल इलेक्शन की मुद्दत में इलेक्शन हो जाने चाहिए, जमहूर का मैंडेट सुना जाना चाहिए। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ये जो सबसे बड़ी जमहूरियत की अलम बरदार जमातें थी, पीडीएम के तमाम जितने भी लोग हैं वो सिलेक्टेड, और उसके बाद फिर इन हाउस तब्दीली के बाद जिस तरह उन्होंने जमहूरी मैंडेट को तस्लीम करवाया, तो उनसे एक्सपेक्टेड यही था कि वे ये अब वक्त आया इलेक्शन का तो इलेक्शन करवा दें। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो मैंने आपके सामने शेर पेश किया कि अब कैफियत बिल्कुल वही है कि अब इलेक्शन से इन वन वे आर दी अदर फरार इख्तियार किया जा रहा है। खाइफ है पीडीएम अवाम के पास जाने से। उसूली तौर पे जो जमहूरी पार्टियां हैं जिनके पास जमहूरी कल्चर है और जिन्होंने जमहूरी के पास जाना होता है, और हमने अपनी पिछली जो चेकर्ड हिस्ट्री है 80s की और 90s की, उसमें यही सीखा था कि इलेक्शन को 5 साल के बाद हो जाना चाहिए और उनकी जमहूर की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यह हुआ कि मैंने जिस तरह पिछले 2 वी लॉग्स में भी कहा कि हमारे जो पिछले 4 इलेक्शन में हैं, इलेक्शन के दौरान या उनसे पहले, कुछ ना कुछ ऐसा गैरफितरी होता रहा कि जिसकी वजह से जो जमहूर का मैंडेट और जमहूर की जो आवाज़ है उस आज़ादाना और शफाफ तरीके से नहीं सुनी गई। 2023 से तवक्को थी कि ये लोग जो हैं, क्योंकि सिलेक्टेड का एक नारा लगाते आए थे और इनसे ज़्यादा जमहूरियत कौन जान सकता है, और उसके बाद ये है कि जब इन हाउस इन्होंने तब्दीली की और उसके बाद एक आ गए, तो तवक्को ये थी कि कम अज़ कम ये पार्टी जो है वो जब इलेक्शन का एक मौका आया
तो इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन अब पिछले दो ढाई माह से देख रहे थे कि इलेक्शन की तैयारियां ना सियासी जमातों में थी, ना हमें अमली तौर पे नज़र आ रहा था, और ये वो आसार थे जिसकी वजह से तमाम माहिरीन ने और एनालिस्ट ने ये बोलना शुरू किया कि जी इलेक्शन अपने वक्त पे होते नज़र नहीं आ रहे। फिर डिफरेंट तरह के इकदाम देखिए, ये एक अजीब बदकिस्मती है कि हम जब आमरीत का बात करते हैं तो उन आमिरों को अपने आमिराना जो इकदाम हैं उसके लिए कोई ना कोई कानूनी जवाब चाहिए होता है। तो हमने देखा कि ज़ियाउल हक मरहूम जो हैं उन्हें पीरज़ादा साहब जो हैं अपने वक्त में वो मुयसर आ गए। उसके बाद हमने देखा कि जब परवेज़ मुशर्रफ़ साहब को अपनी कू के लिए एक कानूनी सहारा चाहिए था तो उन्होंने भी इसी तरह के जो आली दिमाग हैं वो अपने पास इकट्ठे कर लिए और उनके पास दस्तयाब होते भी हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक जमहूरी स्ट्रक्चर बज़ाहिर होते हुए उन्होंने कानूनी सहारे वो तलाश करना शुरू किए हैं जो अपने अपने वक्त में ज़ियाउल हक ने कि जब तक मुझे मस्बत नतायज का यकीन नहीं होता इलेक्शन नहीं होगा। पहले तो उन्होंने 90 दिन से वो लटकाना शुरू किया, जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मस्बत नतायज होंगे तो मैं आऊँगा। लेकिन किया उन्होंने भी ये है कि उस वक्त की PNA की जो जमातें हैं उन सारों को जो मुझे अपनी हुकूमत में हिस्सादार भी बना लिया, मजलिस शूरा भी कायम कर ली, ऑल टुगेदर एक नया स्ट्रक्चर भी आ गया। तो हमने देखा कि वो जो तमाम PNA का वो जो एक सियासी तौर पे वो जो सारा एक था स्ट्रक्चर वो उसमें से काफ़ी हद तक वो हुकूमत का हिस्सा भी बन गए और फिर उसके बाद एक नए स्ट्रक्चर में आगे चलते चले गए। तो अब भी हम देख रहे हैं कि ये एक जमहूरी स्ट्रक्चर होने के बावजूद वो कानूनी सहारे तलाश कर रहे हैं कि जिससे ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर लें। अब इलेक्शन पोस्टपोन करने की कोई और बज़ाहिर वजह नहीं थी, लेकिन 9 मई के बाद जिस तरह के हालात तब्दील भी हुए हैं, अब तक PDM को यकीन नहीं आ रहा कि जो PTI है उसके ऊपर जो भी अदालती फैसले हैं और उस जिस अंदाज में उनकी पार्टी जो है उसमें डिफेक्शंस हुई हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उसके बाद फिर ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस के नाम से खटक साहब ने नई जमात बनाई है, तो इफ़ेक्टिवली जो PTI 9 मई से पहले एग्जिस्ट कर रही थी उसमें ऑलरेडी इतनी शिकस्त और रिक्त और तोड़ फोड़ हो चुकी हुई है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आप देखें कि PDM को हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस वक्त इलेक्शन में जाएँ। हालाँकि उसूली तौर पर देखें, हम देखते हैं कि जिन मुल्कों में ये ट्रेडिशंस बनती हैं ना जमहूरियत की, वो मुश्किल फ़ैसलों से बनती हैं। अब टर्की में आप देखें कि इतना शदीद जलजला आया लेकिन इसके बावजूद अपने वक्त पे इलेक्शन हुए और बड़े वो टफ़ और चैलेंजिंग किस्म के इलेक्शन थे। ईरान, आप ये देखिए कि ईरान की जब इराक के साथ भी वॉर चल रही थी तो जैसा भी था उन्होंने इलेक्शन अपने टाइम पर जो है ना वो कंडक्ट किए। और बहुत सारे मुल्कों की मिसालें हैं कि जब मुल्क एक फ़ैसला कर लें कि हमें इन ट्रेडिशंस को ले कर चलना है तो वो जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें रादर एक अपने आप का एक अवामी मैंडेट और एक पब्लिक का बायन लेने के लिए वो ज़रूरी होता है कि वो उस रिवायत के ऊपर चलें। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ है कि ये वो सारे लोग जो जमहूरियत का आलापते थे, ये अलग बात कि ये इन तमाम जो पार्टियाँ हैं इनमें से हमारे यहाँ PTI समेत जितनी भी पार्टियाँ हैं कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, ये एक अलग मौजू है, चले इसको छोड़ देते हैं। इस वक्त फोकस इसी बात के ऊपर है कि ये जब वक्त क़याम आया तो ये सजदों में क्यों चले गए। अब उसके लिए नतीजा ये है कि जिस तरह उस वक्त शरीफुद्दीन पीरज़ादा काम आए थे या फिर बाद में ज़ियाउल हक साहब ने आली दिमाग कानूनी माहरीन जो है उनकी मदद से वो एक चीफ़ एग्जेक्टिव का जो एक ओहदा है वो अपने लिए तख्लीक किया था। और आज दुख इस बात का है कि आज बज़ाहिर आमिर नहीं है, एक जमहूरी खाका या जमहूरी स्ट्रक्चर फ्रंट के ऊपर है, लेकिन उन्होंने सहारे उसी तरह के लिए हैं कि जी ये डिजिटल जो है वो मरदमशुमारी किसने कराई, अभी करवाई गई। अब उसमें ये एक उस पर सहारा लिया गया कि ओहो हो इसके बगैर तो सही मैंडेट नहीं आ सकेगा। अब उसमें जो है वो बाकी अनसर्टनिटीज़ ऐड हो रही है, निगरान हुकूमत और उसके बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, सोआन सोफोत। तो इस जमहूरी हुकूमत से या PDM के इतिहाद से तवक्को ये थी कि अगर वाकई देवर द पोलिटिकल पीपल तो उन्हें चाहिए था कि अवाम के पास जाते, क्या हो जाता, हो सकता इन्हें मैंडेट मिल जाता, हो सकता है इन्हें मैंडेट पूरा ना मिलता, हो सकता है इनके मुखालिफ पार्टी जो है उन्हें कुछ मैंडेट मिल जाता, लेकिन खाली मैदान किसी के पास भी नहीं है, स्वीपिंग मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड ये था कि ये वो एक वक्त था कि इन पार्टियों का अपने उस बयानिए के ऊपर खड़े होने का और पब्लिक को एक एतमाद देने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख ही रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म हफीज़ शेख साहब आएँ या जो भी आएँ, नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान एक दलदल में फंस रहा है। वो दलदल है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माली हालत जो है ना वो मज़ीद दिगरगू होगी, मज़ीद दिगरगू होगी तो मज़ीद हम कर्ज़ों की तरफ जाएंगे। तो अब पिछले चंद सालों में और ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों में हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास एक वाहिद आसरा रह गया मज़ीद कर्ज़े। अब इस घबराहट में एक दूसरा काम भी हमने शुरू कर दिया कि हमारा जो फैमिली सिल्वर था
जो हमारे हुकूमत के बेहतरीन और प्रोडक्टिव असासे थे वो हमने सॉवरन स्टेट्स को, वो सऊदी अरब हो या यूएई हो या चाइना हो, अब उनको गिरवी रखना शुरू कर दिए हैं और औने पौने दामों के ऊपर जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर ना कोई डिबेट हो रही है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर तरीके से ओपन अप किए जा रहे हैं। उसमें जिस तरह हमने पास्ट में देखा कि बहुत सारे जो हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे उसमें जिस अंदाज के मुआहदे किए गए वो आज तक गले पड़े हुए हैं। अब इस घबराहट में, इस जल्दी में बड़े फ़ख्र से कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब और बाकी जो यूएई और बाकी मालिक जो हैं वो इतने अरब डॉलर की सरमाया लेकर के आएंगे, लेकिन सोचने की और सवाल तो ये पैदा होता है कि उनकी सरमायाकारी से पहले जो आपके मुल्क के अंदर सरमायाकार हैं उनकी क्या हालत है, उनको आप निचोड़ रहे हो। बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, अब जो फॉर्मल कारोबार करना है वो मुश्किल हो गया, उनको मज़ीद निचोड़े जा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को आप मज़ीद निचोड़े जा रहे हैं, तो क्या मुल्क के जो सरमायाकार हैं वो मुल्क के हमदर्द और खैरख्वाह नहीं है कि आप इतने बिलियन डॉलर बाहर से लाओगे। वो भाई दुनिया में देयर इज़ नो फ्री लंच एनीवेयर। तो अगर इस मुल्क में जहाँ के सालाना 1.5-2 अरब से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आई, और अगर आप कहते हैं कि जनाब ये 26 बिलियन डॉलर जो है ना वो सडनली आ रहे हैं, तो देन कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अवाम अब इस तमाशे से पहले तंग आए हुए थे, एक्सपेक्टेड ये था कि आप 2023 में वक्त पे इलेक्शन कराते और आप अपने उस बैनिए की लाज रखते, लेकिन वो लाज नहीं रखेंगे। अब जो पिछले 2-3 हफ्तों से तमाशा चल रहा है वो निगरान हुकूमत के क्याम का है, ये सडनली आपने मरदमशुमारी का आसरा लेके उसको पोस्टपोन करने की किया है, और एमरजेंसी का हवाला ले आएंगे, फिर ये दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो उठी है उसके हवाले से भी एक परेशानी अपनी जगहों पे है। तो ये जो तमाशा सामने आया है, उस तमाशे ने, सच्ची बात है, अवाम में फ्रस्ट्रेशन पैदा की है, अवाम में गुस्सा पैदा किया है, अवाम में मायूसी को जन्म दिया है। पिछले दिनों एक फिगर सामने आए थे कि पिछले साल की निस्बत इस साल पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर नौजवानों के जाने की जो शरह है वो तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जो तमाशे हैं वो ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कब तक ये तमाशे ज़्यादा देर तक अगर चलेंगे तो हम सारे ही इसकी लपेट में आएंगे। गुफ्तगू ख़त्म करते हुए इफ्तिखार आरिफ की एक बड़ी मशहूर नज़्म है, आपने भी सुनी होगी, उसके मैं 3 अशआर पेश करता हूँ जिसमें मैं समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस वक्त नब्ज़ है, आवाम की जो कैफियत है, कि बिखर जाएँगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे बाबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। और कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा। और फिर कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।